नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंबे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपने में कुआं देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सपने शास्त्र की बात करें तो सपने हम सभी को दिखाई देते हैं और सपने हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। कई लोग अपने जीवन में शुभ सपने देखते हैं तो कई लोग अशुभ सपने देखते हैं, लेकिन सपने हम सभी को दिखाई देते हैं। कभी कभी हमें सपने में कुआं भी दिखाई देता है और कुआं हमें अलग अलग तरह से दिखाई दे सकता है। जैसे कि कोई अपने सपने में सूखा कुआं देखता है तो कोई अपने सपने में पानी से भरा हुआ कुआं देखता है। इसी तरह से कई लोग कुएं में नहाते हुए देखते हैं तो कई लोग कुएं में तैरते हुए देखते हैं। इसी तरह से हम सभी लोग कभी कभी अपने सपने में ये भी देखते हैं कि हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, स्वप्न में हम सभी लोगों को ये सब चीज़ें कभी ना कभी ज़रूर दिखाई देती हैं और हम सभी के मन में आखिर ये सवाल आता है कि आखिर ये सपने हमें किस बात का संकेत देना चाहते हैं और ये सपने शुभ है या फिर अशुभ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी लिख दीजिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि सपने में कुआं देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में कुआं देखना एक शुभ सपना माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिषों का मानना है कि सपने में अगर कुआं दिखाई दे तो आपको जल्द ही जीवन में सुख शांति मिलने वाली है, आपके कार्य में उन्नति हो सकती है, आपको व्यापार में भी लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से स्वप्न में कुआं देखना एक शुभ सपना माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी।